मैं फिलहाल मालवीय नगर में मौजूद हूं, जो नए मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनके पुत्र और उनके परिवार हमारे साथ में मौजूद हैं। काफ़ी खुशी का माहौल है यहां पर, आप देख सकते हैं चारों तरफ बधाई देने वालों का तांता लगा है। ये पुत्र हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं और पूरी एक तरह से देखें कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आपका नाम जानना चाहिए। अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, कैसा लगा? पिताजी नए सीएम होंगे, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इस तरह का माहौल था चुनाव लड़ा जब, परिवार में काफ़ी हर तरफ से बधाइयों का तांता लगा। बधाइयाँ आ रही थी, आज भी आ रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। सीएम अनाउंस होते ही काफी बधाई आने लगी है। सीएम का नाम अनाउंस होते ही बहुत बधाई आने लगी है। अभी क्या लगता है, किस तरह का रहेगा परिवार से एक तरह का, पूरे स्टेट को लीडरशिप का मौका मिलेगा, क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या एक तरह से आपके परिवार में एक तरह से नई जो तैयारियां हों? पापा को जो दायित्व दिया है बीजेपी ने, उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे पापा जी। इससे पहले भी बीजेपी में कुछ इशारा मिला था पहले कि मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी, मुझे ये पता नहीं था। मैं अभी पूना से लौटा हूँ, मैं पूना गया हुआ था, 5-6 दिन से पूना ही था मैं, मुझे पता ही नहीं है। 5-6 दिन से पूना थे, अभी परिवार में आते ही ये बड़ी खुशखबरी जी। पार्टी में लंबा काम मतलब कार्यकाल उनका रहा, एक तरह से सेवक की उनकी वो भूमिका रही शुरू से ही, किस तरह का था परिवार में बर्ताव, किस तरह का समय दे पाते थे, पार्टी को कितनी तवज्जो देते थे, परिवार को कितना देते, घर के लिए कम ही समय निकालते थे, पूरी तरह से पार्टी को समर्पित, पूरी तरीके से पार्टी को समर्पित थे, कम ही समय निकालते थे घर के लिए। लेकिन जब भी समय मिलता, मुझसे, मम्मी से, भाई से, छोटे भाई से, सबसे बात करते, सबसे बात पूछते कि क्या चल रहा है घर में, क्या नहीं चल रहा, हमारी पढ़ाई के लिए पूछते। अभी मैं UPSC के लिए कर रहा हूँ प्रिपरेशन, तो पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, बाकी का पूरा पार्टी के लिए समर्पित है। अभी बात हुई पापा से? सीएम बात नहीं हुई, अभी बात नहीं हुई पापा, अभी वो अंदर बैठक में मौजूद हैं। हाँ, शायद अंदर बैठक में। सुबह रवानगी से पहले की क्या तैयारी थी, क्या खास आपने कामना करके आज रवाना किया था? गणेश जी के दर्शन के, मैं सांगा बाबा के दर्शन करने भी गया था जी। जी जी, संगानीर में सांगा बाबा के दर्शन करने में गया था जी। सब परिवार लगा हुआ था एक तरह से, पूरी तरह से इस कामना। युवाओं को लेकर के कुछ उम्मीदें हैं, कुछ आप युवा हैं, बहुत से इस तरह के सवाल होंगे जहन में कि अगर हम इस जगह होते तो ये करते, अब जिम्मेदारी इस तरफ है, तो पिताजी से कुछ उम्मीदें रहेंगी कि भी युवाओं के लिए भी कुछ खास तैयारियां रहे? युवाओं के, मोदी जी के विजन को ही आगे बढ़ाया जाएगा। अभी जो मोदी जी युवाओं के लिए, और युवा मोदी जी को पसंद करते हैं, मैं भी युवा हूँ तो मोदी जी के विजन को पसंद करते हैं, मानते हैं, तो युवाओं के लिए मोदी जी के विजन पे काम किया जाएगा। अब एक बड़ी मनोकामना पूरी हुई, क्या टारगेट है अगले, कहाँ जाएंगे, मतलब अपना एक तरह से शुभकामना आपको मिल ही रही है, लेकिन आपकी क्या तैयारी रही, कहाँ शुक्रिया अदा करने जाएंगे, कोई आराध्य देव हैं जहाँ आप जाएंगे जी? अपने तो कुलदेव भी है जी, माता रानी के अपन जाएंगे, तो वहाँ पहुँचेंगे सबसे पहले। उससे पहले परिवार के सदस्य हैं, माता जी इनकी यहाँ पर आ चुकी हैं, और ये सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुणाल के साथ में इनके बड़े भाई भी हैं, और सभी लोग एक तरह से लगे हुए हैं। बधाई हो आपको, बहुत 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 बधाई हो, जनता को बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पत्नी हैं मुख्यमंत्री की अब? किस, क्या तैयारी करके भेजा था, और किस तरह से आपने शुरुआत से तैयारी करवाई थी उनको? आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। तो अभी मंदिर जाके आ रही हैं जी, तो धन्यवाद देकर के आ गए हैं। क्या जाप चल रहा था खास ऐसा? ऐसा कुछ जाप नहीं चल रहा था, कोई खास जाप नहीं था। परिवार को बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए एक तरह से समर्पित थे, कुछ समय दे पाए थे वो? नहीं दे पाए, वो पार्टी को ही दिया पूरा समय शुरू से ही। पार्टी को ही दिया पूरा समय। पार्टी ने सांगानेर से कैंडिडेट बनाया और अब सीएम बनाया। हाँ जी। क्या उम्मीदें रहेंगी, आप एक महिला है, महिलाओं के लिए, राजस्थान के लिए, क्योंकि अब तो आप घर में ही डिमांड कर सकती हैं? सब अच्छा ही होगा महिलाओं के लिए, सब अच्छा होगा। आप सुबह जब रवानगी ले रहे थे घर से, तो क्या कामना थी या क्या उम्मीदें थी, कुछ अंदाजा था इतना बड़ा कुछ होने वाला है? प्रभु पे विश्वास था, माता रानी पे विश्वास था कि अच्छा ही होगा। लेकिन पहले कहीं ना कहीं से इशारा मिला था कुछ ऐसा अंदाजा? नहीं, कहीं इशारा नहीं मिला, दूर दूर तक कोई इशारा या कोई अंदाजा नहीं था ऐसा? नहीं था। अब जब चारों तरफ माहौल और खुशियां देखने को मिल रही हैं, जयकारे देखने को मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तैयारी रहेगी अगली? जनता की सेवा के लिए तैयारी। बात हुई आपकी भजन लाल जी से, बधाई दिया आपने पर्सनली? तैयारी कुछ खास परिवार के साथ कहीं जाएंगे कुलदेवी वगैरह? जनता की सेवा। आप देखिए
पूरा प्रदेश। ये पत्नी है मुख्यमंत्री की, आपका नाम बताइएगा पूरा। गीता शर्मा। गीता जी, आप जयपुर से ही ताल्लुक रहा है, कहाँ से रहने वाले हैं? जयपुर से, 10 साल से जयपुर से रह रहे हैं, वैसे ससुराल अटारी है जी। तो अब पूरे राजस्थान से बधाइयों के, शुभकामनाओं के संदेश आ रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा होगा अभी तो करें क्या और किस तरह से रिएक्ट करें। राजस्थान मेरा पूरा परिवार है। तो अगला रेजिडेंस आपका सीएम हाउस होगा? खास बात कहना चाहेंगे, खास संदेश देना चाहेंगी? सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र के लिए कुछ संदेश पीएम मोदी के लिए कि भाई आपको एक ऐसे ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली? मोदी जी के लिए आभार, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, तो ये आपका, आप देख सकते हैं कि परिवार है, मुख्यमंत्री का पत्नी है जिनसे हम बात कर रहे थे।